एक दोस्तों एयर फ्रेशनर का बिजनेस भी आजकल बहुत बढ़िया है, उसमें मार्जिन भी ज़्यादा है, उसका सर्वे कर लो आप। एयर फ्रेशनर अगर हैं तो उस तरह की चीज़ें भी आप चला सकते हो, वो भी सब कॉमर्शियल ही हैं। उनमें भी किसी भी कार शोरूम में जाना है, मॉल में जाना है, सभी जगह आजकल एयर फ्रेशनर लग रहे हैं, होटलों में, रेस्टोरेंट में, सब जगह लग रहे हैं। होटल रेस्टोरेंट की लाइन बहुत बढ़िया है अपनी क्लीनिंग के जितने भी सामान है वो बेचने के लिए, क्योंकि उन्हें भी कोई ये ज़्यादा नहीं होता कि कोई ब्रांडेड चीज़ें देनी है, वो भी आप कमाल ले सकते हैं अगर आपकी क्वालिटी ठीक है तो। क्वालिटी रोज़ रोज़ चेंज मत करना, सप्लायर बिल्कुल रिलायबल होना चाहिए तभी आपकी क्वालिटी सेट होगी। रोज़ अगर आप रॉ मटेरियल नई नई जगह से ले रहे हो तो क्वालिटी सेट नहीं होने की, रोज़ फॉर्मूला बदल रहे हो तो क्वालिटी सेट नहीं होने की। अपना जो माल आपने बनाया है और अगर आपने सर्वे करके ये निकाल लिया कि भी मेरा 40 रुपये किलो वाला माल है जो मैं बेचूंगा, तो आप उसी पे मेहनत करो। किसी ने ये कह दिया 35 का ले आओ, आप घर आके फिर उसे चेंज करने लग गए। किसी ने कहा जी आज 35 30 का ले आओ, आप फिर चेंज करने लग गए। ऐसे नहीं होगा, हर चीज़ बिकती है, बस समझाना पड़ता है। जैसे आपने भी एक कहानी सुनी होगी कि भाई हर एक का एटीट्यूड होता है कि वो किस तरह से बाजार को और प्रॉब्लम को देखता है। एक बार एक कंपनी ने एक आदमी को जूते बनाने वाली कंपनी थी उसको जो है एक मार्केट में भेजा कि वहाँ का सर्वे करके आओ। उसने आके सर्वे बोला था यहाँ कुछ भी नहीं बिक सकते जूते, यहाँ तो लोग जूते पहनते ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कोई जूते नहीं पहनता था, नंगे पैर रहते थे, तब तक उन्हें पता ही नहीं था जूते। तो उसने आके रिपोर्ट बना दी कि वहाँ कोई मार्केट नहीं है, बिल्कुल बेकार है, वहाँ मेहनत करनी जीरो है, कोई जूते नहीं पहनता वहाँ। दूसरे को भेजा, उसने रिपोर्ट बनाई, सर यहाँ तो पूरा स्कोप है, यहाँ तो किसी को पता ही नहीं है जूते कुछ होते हैं, हम इन्हें समझाएंगे कि भाई जूते से ये फ़ायदा, तो यहाँ तो हमारे खूब बिकेंगे क्योंकि हम सबसे पहले पहुँच गए। तो ये सोच का ही तो फ़र्क है, बस एटीट्यूड है। तो जो भी आप बाज़ार में जा रहे हो अपना एक प्राइस, और जब ब्रांड प्राइस और क्वालिटी आपने सेट कर ली, प्रोडक्ट सेट कर लिया, फिर उससे हटो मत, उसी पर कोशिश करो। अगर आप रोज़ यही देखते रहोगे कि अरे आज, क्योंकि बहुत से लोगों की बाज़ार में आदत भी होती है फीडबैक सही नहीं देते, वो कहेंगे आज 30 का लाया है, मेरे को तो दूसरे का 25 का आ रहा है, चाहे 30 का ही आ रहा हो। अब आप सोचोगे यार 25 का आ रहा है तो मुझे कम से कम इसे 22 का तो देना पड़ेगा, फिर आप उसे अपनी क्वालिटी छेड़ लोगे, फिर आप कुछ फ़ायदा नहीं होने का। इसलिए जो प्राइस सेट कर लिया उसी पर लगे रहो। जब आपको बिल्कुल ही दिखाई दे कि हाँ भाई हम बिल्कुल ही आउट हैं मार्केट से, तब आप अपनी किसी भी चीज़ को छेड़ो, वरना मेहनत उसी पे करो जो आपने एक बार सोच विचार करके निर्णय ले लिया। तो हार्ड फैक्ट यही है कि जब हमने एक बार डिसीजन लिया सोच समझ कर, अब उसके बाद अगर हम बाज़ार के फीडबैक पर तुरंत ही रोज़ रोज़ कोई डिसीजन बदल रहे हैं, तो वो बदल रहे हैं हम अपनी एंग्जाइटी की वजह से कि अरे कल जो लिया था इसका रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट एकदम नहीं आएगा। तो एकदम से आप अपना डिसीजन चेंज मत करना, पहले आप एक डिसाइड जो आपने कर ली प्राइस रेंज प्रोडक्ट प्राइस प्लेस जो भी सब सेट कर लिया, उसके बाद उसको कुछ टाइम दो उसको देखने के लिए कि भाई इतने टाइम तक मैं देखूंगा, जब आपको लगे कि नहीं बिल्कुल ही हमारा बाजार से नहीं मैच कर रहा है, तब आप उसे डिसाइड करके थोड़ा बहुत चेंज करिए। रोज रोज चेंज करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा इसमें। अब जैसे आप बाजार में जा रहे हो, कोई आपने किसी कार वॉश वाले के पास गए, उसने कहा जी आपका माल ठीक नहीं है। अरे ठीक क्यों नहीं है भाई, वो कहेगा जी पहले वाले से अच्छा नहीं आ रहा, पहले वाले का बढ़िया आ रहा, तुम्हारा ख़राब आ रहा। तो आप उसके पास बैठो, उसके पास थोड़ा टाइम लगाओ, उसको देखो कि भाई उसे तोल के दे दो कि 5 ग्राम ये दूसरे का लगा रहा, तू 5 ही ग्राम हमारा लगा, अब देख किस में झाग बढ़िया आ रहे हैं, किस से धुलाई बढ़िया आ रही है। इस तरह से थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। जो अपने जानने वाले हैं आप उनको थोड़ा सा सैंपल दे दीजिए चीज़ों का, और उनसे फीडबैक लीजिए कि भाई बताओ अच्छा इसमें माल में क्या कमी है क्या नहीं है, सही सही बताओ। कोई कहे जी बेकार है तो उससे भी ये नहीं सोचना कि अरे बेकार बता रहा है, उससे पूछो भी बेकार क्यों, वो कहेगा विम डिश वॉश जैसा नहीं है या विम जेल जैसा नहीं है, तो ठीक है आपको समझ में आ गई कि भाई मेरा माल 100 रुपये वाले से कंपेयर कर रहा है, 200 वाले से कर रहा है, मेरा तो 50 का ही है। तो उससे आप अपनी उस प्राइस रेंज के हिसाब से कंपेरिजन करवा लो, आपको उसका फीडबैक आ जाएगा, उससे आपको सही पता लग जाएगा कि आपका माल कहाँ स्टैंड कर रहा है। एक जो है आप जो आजकल जो ऑनलाइन मार्केट ऑनलाइन सेलिंग चल रही है उसको भी आप जो है बड़े आराम से देख सकते हो, उसमें कोई ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, रजिस्ट्रेशन कर दो अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट वगैरह पे और अपना प्रोडक्ट डाल दो। जो अपने जानने वाले हैं उनको बता दो कि भाई मेरा प्रोडक्ट आप वहाँ से ले लो, क्योंकि अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे भी वही है कि थोड़ा थोड़ा सा बिकना शुरू होता है तो वो सर्च में आने लगता है, तो आपका माल इस तरह से सर्च में आने लगेगा। जो अपने जानने वालों को ही कहोगे कि भाई तुम ले लो इसको माल को थोड़ा सा। एक चीज़ जो और बात बड़े ध्यान से आप रख सकते हो और जो आपको फ़ायदा भी देगी,
कि भाई जैसे जिस शुरू में क्या प्रॉब्लम आती है, जब छोटा काम शुरू करते हैं शुरू में प्रॉब्लम आती है कि जैसे 3-4 ब्रांड बना लिए तो उतनी से हम स्टिकर वगैरह कहाँ से छपवाएं, क्योंकि कोई भी 100 स्टिकर 50 स्टिकर तो छापता नहीं है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो आपके शहर में ही, आपके मोहल्ले में, आपके पास में ही जो एक कंप्यूटर डिज़ाइनिंग वाले होते हैं उनसे आप डिज़ाइन करवा लो अपने स्टिकर, और मान लो 100 आपको चाहिए तो 100 आप उससे प्रिंट करा लो, अपनी बोतल वोतल पैकिंग बढ़िया बना लो, तो आपकी सैम्पलिंग हो गई, वो सैंपल की पैकिंग बन गई, उसका आप फीडबैक ले लो, आपको लगे तो उसके बाद उसी के जैसी आप जो है फिर बाजार में प्रिंट करवा लो। तो ये सब स्ट्रेटजी आप बिजनेस के शुरू में अपना सकते हो, तो इससे आपको ये सारा एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, आपको समझ में आने लगेगा कि भाई मेरा माल किस मार्केट सेगमेंट में सेट हो रहा है, उसी हिसाब से आप धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो। क्वालिटी सेट जरूर करनी पड़ेगी। क्वालिटी सेट करने के लिए क्या है, जो रॉ मटेरियल जिससे ले रहे हो वो एक भरोसे का आदमी होना चाहिए, कि भाई जो भरोसे वाला आदमी है, सही माल दे रहा है, मिक्सिंग नहीं कर रहा, रेट सही दे रहा है, तो उस तरह से आपकी क्वालिटी सेट होगी। अगर आप रोज़ सप्लायर बदलोगे तो भी क्वालिटी सेट नहीं होने की है, इसलिए ये भी चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है। दूसरा क्या है कि अपना एटीट्यूड आपको ऐसा बनाना पड़ेगा कि भाई जो काम सीखना है तो उसकी बिल्कुल बेसिक गहराई से सीखो। अब जैसे मेरे पास भी कमेंट आते हैं, एक का कमेंट आया कि सर आप लेक्चर ही देते रहते हो, प्रैक्टिकल फार्मूला तो बताते नहीं हो। अरे प्रैक्टिकल फार्मूला तो मैं आज आपको बता दूं, एक मैंने आपको बता दिया जी, चलो जी इसमें इतना सैलरी ले लो, इसमें इतना कास्टिक ले लो, इतना SLES ले लो, जैसे आप ट्रेनिंग लेते हो और भी यूट्यूब से और इस तरह से ऑनलाइन ट्रेनिंग। लेकिन जब तक आप ये नहीं समझोगे किस केमिकल का क्या काम है, तो कल को आपको मान लो आज आप 50 रुपये का आपने बाजार में बेचा है, कल को आपको ज़रूरत पड़ गई कि भी 40 का बनाना है, या किसी ने कहा अच्छा मुझे और अच्छा बना के दे दो, आपको पता तो हो कौन से केमिकल को आप घटा के बढ़ा के अच्छा माल बना सकते हो या कम कॉस्टिक का बना सकते हो, तो वो पहले आपको सीखना पड़ेगा। अच्छी जगह से सीखो, अच्छी जगह से ट्रेनिंग लो, अच्छी चीज़ें पढ़ो, उसके बारे में जिस भी चीज़ को बना रहे हो उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, तब आपको एक ये समझ में आ जाएगा कि भाई किस तरह से क्या केमिकल का काम हो रहा है, आपकी क्वालिटी कैसे मेंटेन होगी, जो प्रोसेस है उनके बारे में समझो। ये नहीं कि बस कहीं से भी सीखा देखा मिला दिया। आप जैसे YouTube पे दिखाते हैं जी इसमें ये मिला दो ये मिला दो ये मिला दो, बता तो रहे हैं आपको 10 ग्राम मिला रहे हैं, उसमें 50 ग्राम आपको लगा 10 ग्राम बनाने में इतना बढ़िया बनता है, ऐसे कुछ नहीं। एक्चुअल बनाओ, एक्चुअल मिलाओ, देखो थोड़ा बहुत, एक छोटा सा सेटअप लेबोरेटरी का बना लो, कोई भी चीज़ है उसे थोड़ा बहुत टेस्ट कर लो। ये नहीं कह रहा मैं कि बहुत चीज़ों में करो, जब अकेला आदमी होता तो वैसे ही उस पर टाइम नहीं होता, लेकिन एक दिन कर लोगे महीना भर उसी काम को करोगे तो आपकी क्वालिटी बिल्कुल बढ़े चलेगी। अब इसमें अगली चीज़ आती है दोस्तों कि बहुत से लोगों के सवाल आते हैं कि सर इसमें गवर्नमेंट की क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों इसमें गवर्नमेंट की क्लीनिंग इंडस्ट्री में ज़्यादा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एक GST का रजिस्ट्रेशन कराना होता है, उसके लिए अलग अलग लिमिट है, वो आप अपने स्टेट में पता कर लो तो उस हिसाब से रजिस्ट्रेशन है। दूसरा क्या है कि जिन भी चीज़ों पर आप डिसइनफेक्टेंट लिखोगे, जैसे फिनाइल है, फ्लोर क्लीनर पे अगर डिसइनफेक्टेंट लिख रहे हो तो उसके लिए आपको ड्रग लाइसेंस लेना पड़ेगा। जिन पर भी आप ये लिखोगे कि ये सारे 100% कीटाणु मारेगी, कीटाणु नाशक है, तो उनके लिए आपको ड्रग लाइसेंस लेना पड़ेगा। जैसे वाइट फिनाइल अगर लिखोगे, फिनाइल जो शब्द है वो ड्रग कंट्रोल में आती है, आपको ड्रग लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो आप फ्लोर क्लीनर लिखोगे तो वो चल जाएगा, लेकिन जहाँ पर भी डिसइनफेक्टेंट है, कीटाणु लिख रहे हो, उसके लिए ड्रग लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसी तरह से हैंड वॉश वगैरह, जितने भी हैंड स्किन से टच हो रहे हैं, स्किन रिलेटेड प्रोडक्ट हैं, हैंड वॉश के लिए ड्रग लाइसेंस लेना पड़ता है, कॉस्मेटिक आइटम्स के लिए लेना पड़ता है। टॉयलेट क्लीनर में भी अगर आप लिखोगे जर्म्स 100% जर्म्स क्लीनिंग डिसइनफेक्टेंट, ये तो आपको लाइसेंस ड्रग लाइसेंस लेना पड़ेगा। हैंड सैनिटाइजर के लिए ड्रग लाइसेंस लेना पड़ेगा। इस तरह से ये चीज़ें हैं कि जो कॉस्मेटिक या डिसइनफेक्टेंट या स्किन रिलेटेड चीज़ें हैं उनमें आपको ड्रग लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है, वो आप पता कर लेना एक बार अपने स्टेट में। बाकी और कोई ड्रग बाकी और किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही लीनियंट रूल्स हो गए हैं। जो बेसिक्स हैं स्मॉल स्केल में तो बहुत ही कम चीज़ों की ज़रूरत है। अब आती है कि हमें क्या क्या प्लांट एंड मशीनरी की ज़रूरत है। दोस्तों देखो, जो सबसे जब शुरुआत करते हैं ना, तो मैं सबको ये सलाह देता हूँ कि भाई सबसे शुरुआत में तो पहले आप किसी से बना बनाया माल ले लो अपना प्राइस सेगमेंट देखकर, उसको आप बाज़ार में सेल कर लो, आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आ जाएगा कि भाई क्या प्राइस है, क्या प्रोडक्ट है, क्या फीडबैक है। उसके बाद काम शुरू करो।
उसमें भी जब छोटे स्केल पे काम शुरू करोगे, कोई प्लांट एंड मशीन नहीं मत लगाओ, जो प्लास्टिक के ड्रम टंकी और इसी तरह से हैंड प्रोसेस से ही माल बना लो। भरने के लिए भी पहले तो आदमियों से ही भरवा लो, मशीन की कोई ज़रूरत नहीं है फिलिंग के लिए। जब तक 100 किलो पर डे की प्रोडक्शन नहीं आ रही है, आपको हैंड प्रोसेस ही करो। जब आपकी प्रोडक्शन 100 किलो पर डे से ज़्यादा होनी शुरू हो जाए, तब आप एक मिक्सर ले लो, उसे भी प्लास्टिक की ड्रम या टंकी पे ही रखो, इस तरह का लो, पोर्टेबल टाइप। जब और आपकी 500 किलो 200 300 किलो 400 किलो 500 किलो पर डे की प्रोडक्शन आ जाए, तब आप वेसल्स वगैरह पे जाओ, तब आप ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन्स पे लो। जब तक आपका इससे कम है, इनमें भी आपका क्वालिटी प्रोडक्ट बन जाएगा अगर आपने प्रोसेस को ध्यान दिया, प्रोसेस को समझा, प्रोसेस को समझ के अच्छे तरह से माल बनाया, टाइम दे के बनाया, जल्दबाजी नहीं करोगे तो आप इनसे भी क्वालिटी प्रोडक्ट बना लोगे। इस क्लीनिंग इंडस्ट्री में जीत ही सबसे बड़ी ये है कि आप जो है बड़ी आसानी से सिर्फ प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए आप अच्छा माल बना सकते हो, माल बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आने की। बस प्लांट एंड मशीनरी की ज़रूरत तब है जब आपको प्रोडक्शन ज़्यादा लेनी है, उससे पहले का काम आप कर सकते हो इससे हैंड प्रोसेस। तो दोस्तों ये था आज जो हमने इस सीरीज़ में डिस्कस किया है कि भाई ये आप किस तरह से बिज़नेस शुरू करने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको फैक्टर्स ध्यान में रखने चाहिए। इन फैक्टर्स की आप रिसर्च कर लो, सर्वे कर लो, आप अपना डिसीज़न ले लो। लेकिन जो डिसीज़न एक बार ले लो तो फिर आप अपने दिमाग में ये भी सेट कर लेना कि अब इतना टाइम मुझे देना है, एक साल दो साल जितना भी आप देना चाहते हैं अपने हिसाब से, आपकी जो भी कंडीशंस अलाउ करती हैं, और इतनी कैपिटल लगा के मैं शुरू करूँगा। तब तक मेहनत करिए, उसमें कहीं ना कहीं आपका काम सेट ज़रूर हो जाएगा। ये नहीं कि आपने आज डिसाइड तो किया कि मैं दो साल देखूंगा और दो महीने बाद ही आप कहने लगो कि नहीं ठीक नहीं है। थोड़ा देखिए, शुरू में मेहनत बहुत है, कंपटीशन बहुत है, लेकिन एक स्ट्रेटजी बना के काम करोगे तो काम चल निकलेगा, क्योंकि सेल बहुत है, रिक्वायरमेंट डिमांड बहुत है, और हर मार्केट सेगमेंट की डिमांड है, सस्ते से लेके महंगे तक की सबकी डिमांड है। तो इसी तरह से आप ये सोच विचार करके काम शुरू करिए, बढ़िया चलेगा। और मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिसने सब्सक्राइब ना करा हो सब्सक्राइब कर दीजिए। और भी कोई इस तरह रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझे मेल कर दीजिए, मैं कोशिश करूँगा जवाब देने की। थैंक यू।